स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। अब एक वक्त हो गया है टीम्स का दोबारा आकलन करने के लिए। 10 आज के प्रिफर्ड डेरिवेटिव टेक्निकल प्लेसमेंट EBFRL, कैनफिन होम्स, अपोलो हॉस्पिटल्स। EBFRL की स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की तैयारी। कैनफिन होम्स कल रियल स्टेट इंसुरी में स्ट्रॉन्ग मूव था, आज HFC में एक्सपेक्टेड है। अपोलो हॉस्पिटल 50 DMA से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक, LKM का प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, भारतीय टेल इनफ कंसोलिडेशन, अब 1700 के ऊपर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। दीपक नाइट्राइट यहां पर भी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की तैयारी। मैक्स फाइनेंशियल सुपर स्ट्रेंथ है। ओरेकल फाइनेंशियल्स IT में एक वाइल्ड स्विंग के लिए तैयार। संवर्धन मदरसन सुमी एट ऑल टाइम हाई और USL प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग, 50 DMA की ट्रैजेक्टरी को कल पार किया। अब एक अच्छा रेस इसने 50 DMA पे लिया है। आशीष, चलिए मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। किसी ना किसी खबर की वजह से लाल और हरे, लाल तो है ही नहीं आज, सॉरी। HCL टेक नंबर्स अच्छे हैं, पर ध्यान रखिएगा स्टॉक ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्काउंट करके बैठा है। विप्रो को कंटिन्यू कर दिया, फिर इसीलिए IOC कच्चा तेल करेक्ट हो रहा था और एक JV भी गठन करा। JSW इंफ्रा को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला, बेसिकली एक ऑर्डर मिला। एंजल वन के नंबर्स अच्छे हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स पे UBS का बढ़िया अपग्रेड आता हुआ। फिर क्योंकि क्रूड आज सबसे इंटरेस्टिंग एट प्ले था, तो पिडिलाइट, एशियन पेंट्स और हॉलीडे सीजन से पहले इंटरग्लोब एविएशन भी जोड़ दिया। मारुति सुजुकी आज हुंडई का IPO खुल रहा है, उसके चलते रडार पे रखते हैं। HSBC की एक रिपोर्ट भी आई है, लेकिन ठीक है, अगर हुंडई के वैल्यूएशन सही दिख रहे हैं तो फिर शायद मारुति अनडिमांडिंग वैल्यूएशन पे है या फिर हुंडई स्ट्रेच्ड है, ये कॉल लेना होगा। देखते हैं बाजार कैसे बिहेव करता है, लेकिन मारुति को ग्रीन रखा है।